मणिपुर के कुकी समुदाय के सदस्यों ने पूर्वोत्तर के राज्य में जारी हिंसा विरोध में बुधवार को यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां थाम रखी थी, जिन पर लिखा हुआ था कि कुकी समुदाय के लोगों के जीवन की रक्षा करें। प्रदर्शनकारियों ने नारे भी लगाए। पुलिस के मुताबिक गृह मंत्री के साथ बैठक के लिए 4 प्रदर्शनकारियों को उनके आवास के अंदर जाने की अनुमति दी गई, जबकि बाकी को जंतर मंतर भेज दिया गया। दूसरी ओर मणिपुर में भीड़ ने एक एम्बुलेंस पर हमला कर दिया, जिसमें एक मोइती समुदाय की महिला, उनके बेटे और रिश्तेदार की मौत हो गई। महिला की शादी कुकी समुदाय में हो रखी थी। वह गोली लगने से घायल अपने 7 साल के बेटे को अस्पताल ले जा रही थी। एम्बुलेंस के साथ पुलिस की एक टीम भी थी। बावजूद इसके भीड़ ने उन पर हमला किया और 3 लोगों की जान ले ली। मामला पश्चिम बंगाल के इम्फाल के इरोसिम्बा इलाके का है। भीड़ ने घटना को रविवार शाम 7 बजे अंजाम दिया। मणिपुर में एक महीने पहले भड़की जाती हिंसा ने कम से कम 98 लोगों की जान जा चुकी है और 310 से अधिक लोग घायल हुए हैं। राज्य में फिलहाल कुल 37,450 लोगों ने 272 राहत शिविरों में शरण ले रखी है। मोइती समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में मणिपुर के पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद 3 मई को राज्य में पहली बार जातीय हिंसा हुई थी।